स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काज सिंह और आज हम लोग खेलने वाले हैं मास्टर ली। ठीक है, तो गाइज कुछ ही दिनों पहले मैंने चाइनीज़ वर्जन का जो लेटेस्ट डाउनलोड लिंक है वो डाला था। कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब लोडिंग वगैरह में, तो वो क्लियर हो चुकी हैं क्योंकि उस वक्त 2-3 दिन के लिए वहाँ पर सर्वर डाउन चल रहा था, जो ठीक कर दी गई है। ठीक है, अब वहाँ पर आपको कोई भी मतलब नेटवर्क इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ा गेम स्लो हो रहा है पर फिर भी काम करेगा। ठीक है, इस बार हमने गाइज 3 स्नोरलैक्स लिए हैं और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पास एक ऐसा स्नोरलैक्स आएगा जिसका मतलब रिफ्रिजरेट एबिलिटी हुआ, जिससे नॉर्मल टाइम मोड जो है आइस टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यही मान के उसको चूज़ किया, मतलब दो दो स्नोरलैक्स लेके, मतलब एक्स वाले, ताकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मूव सेट दिखा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने भेजा अपने जो मतलब स्नोरलैक्स को, स्नोरलैक्स को भेजा हमने, इसमें मूव सेट रखा है, मतलब हमने दिया इसे पावर पंच, ऑटो मूव, रेस्ट, स्लीप, टॉक। अगर आपके पास रीजेफ्रेट एबिलिटी है जिससे नॉर्मल टाइप मूव आइस टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये पोकेमॉन अनस्टॉपेबल होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो, आप स्टिकी वेव का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को डाकना मिला नहीं तो ये बैड लगता, पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्वीकून अटैक किए जा रहे हैं और ये अभी भी टिका है। तो यहाँ पर हम पे पड़ा अर्टूम और एक हमारा अर्टूम और स्वीकून का खेल ख़त्म। सामने हार किया तो मैं यहाँ पर रेस्ट इस्तेमाल करता हूँ ताकि हमारा जो है एचपी रिकवर हो जाए। तो गाइस हमारा एचपी रिकवर हो चुका है, अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा स्लीप टॉक पे स्लीप टॉक लगाने की। और अटैक भाई इतना ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, और सबसे अच्छी बात स्नोरलैक्स के आर टू मूव की यह है कि आपका डिफेंस भी एक स्टेज बूस्ट करता है, और स्पेशल डिफेंस भी ठीक ही ठाक होता है, इतना गंदा नहीं होता। मतलब लुकारियों को जो है आप लोग आर टू मूव भी सह सकते हो, समझ पा रहे हो मतलब कितना अच्छा होगा इसका। अब सामने है स्वीकून और ये ट्रैप इन किल वाला था, पर वन हिट इसका किल खत्म। यही फ़ायदा होता है भाई स्नोरलैक्स का, ये जहर है, इसको रोकना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पर पावर ऑफ पंच लगाते जा रहा हूँ क्योंकि सामने जो स्नोरलैक्स है उस पर नॉर्मल टाइम मूव ज़्यादा कुछ घंटा असर करेंगे नहीं, मतलब लगाते हैं रेस्ट, नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है, और सामने वाले स्वीकून के मतलब जो स्नोरलैक्स के पास शायद रेस्ट नहीं था, शायद इसके पास इंसोमेनिया एबिलिटी था, तो ये भी अच्छा है। सामने है गारचोंप और ये पावर ऑफ पंच पड़ा, होप एक आर टू मूव पड़े और ये ख़त्म। नेक्स्ट ये वाला मेरे को स्नोरलैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मूव सेट ज़रूर ट्राई करना गाइस अगर आप कभी बना पाते हो आर टू, तो बेहतरीन होता है। इस तरीके से आप मतलब कोई भी पोकेमॉन आपसे सेफ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास आपके गेम्स में कोई अनवर एबिलिटी वाला पोकेमॉन आ जाता है या फिर मोबाइल आ जाता है। ठीक है, उस वक्त थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा पर सबको संभाल लेगा। मास्टर लीग में भाई कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास वो एबिलिटी हो, क्योंकि एचपी सारे पोकेमॉन्स के कम होती है, एक एक हिट में सारे पोकेमॉन अधमरे हो जाते हैं। आपके पास डिफेंस भी होता है और ऑफेंस तो पावर पंच की वजह से इंक्रीज भी हो चुका है, तो मान लो कि आप अनस्टॉपेबल रहोगे। हमने जी मूव लगाया और म्यूटू ऑलमोस्ट डेड है और ये जी मूव और हमारा खेल ख़त्म। कोई नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे स्नोरलैक्स हैं, पर अभी मैं भेजता हूँ अपने स्लैकिंग को। ये अटैकर वाला है इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, बल्कअप रखा है, प्लेयर ऑफ और रेस्ट। रेस्ट इसीलिए रख लिया क्योंकि बल्कअप है, डिफेंस भी रहेगा और रेस्ट अगर इस्तेमाल करो तो हाँ कुछ टर्न्स के लिए आपका पोकेमॉन टिक ज़रूर जाएगा। अब गया हमारा म्यूटो, मतलब ओपोनेंट का म्यूटो। अब हम बिजनेस गैलियो, इसके पास बल्कअप है तो इस्तेमाल करते हैं बल्कअप। अर्थ को आटो मूवर रेस्ट रखा है, इस पर भी रेस्ट रखा है क्योंकि इसके पास अनवेरेबिलिटी है, मेरे को लग रहा है इसीलिए हम लोगों ने ये रखा है। एक बार बल्कअप हमने कर लिया, अब ठीक है हम पर तगड़ा अटैक पड़ रहा है, तो मैं एक आटो मूव लगाता हूँ और एक हिट खेल खत्म। यही मूव सेट में कोशिश करूँ अपने स्नोरलैक्स अपने जो सलगैलियो पर रखूँ, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। देखो एक आटो मूव जो 30% चांस देता है आपका अटैक बूस्ट करने का, प्लस आपके पास बल्कअप भी है और अर्थ को एक भी है, और अनवर एबिलिटी के साथ भाई इस पोकेमॉन को रोकना ही पॉसिबल ही नहीं होगा। पर रॉक टूम भी ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं गाइस। तो सामने है आर्टिकोनो और इस पर भी एक आटो मूव पड़ेगा और इसका भी खेल हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट कौन, ये बंदा चला गया, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बैटल। सामने है स्वीकून, ये मेरे को पहले वाला बंदा लग रहा है, ठीक है मेरे को लग रहा है वही है, फिर से मैचअप हुआ है। मैं जीमू भी लगाऊंगा शुरुआत में, मैं नहीं चाहता स्वीकून खतरा बने, और जीमू हो गया वेस्ट। सामने है चारिज़ार्ड, तो मैं अपना स्वीकून अपना जो स्नोरलैक्स है वो भेजता हूँ, और यहाँ पर पावर पंच। सबसे पहले हम ट्रैप में आ चुके हैं तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई नहीं मैं कोशिश करूँगा टिकने की थोड़ी देर। अब मैं रेस्ट लगा लेता हूँ, नहीं तो भाई कोई भरोसा नहीं, मारा जाएगा। ठीक है, हो चुका है स्लीप टॉक और ये ख़त्म चारिज़ार्ड। जहर है भाई स्नोरलैक्स, जहर है, बहुत ही बेहतर। अब नेक्स्ट सामने है स्वीकून, फिर से स्लिप टॉक, होप ठीक है, अच्छा डैमेज भी दिया, देखते हैं अब क्या होता है। अब स्लिप टॉक पे स्लिप टॉक यूज़ करूँगा, ये एक और हिट और स्वीकून का खेल ख़त्म। रेस्ट वहाँ पर भी है, अब डेड है, अब तो पक्का ही डेड है, ख़त्म।
तो गाइस ओपोनेंट का सुकून जा चुका है, बस दूसरा वाला उसके पास बचा है, ये अभी तक बचा है, तो मैं गार्चोम को पहले मार देता हूँ, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और आर्ट मूव लगाता हूँ, उसका जी मूव भी तगड़ा होता है और रेस्ट। अब आर्ट मूव लगा देता तो अच्छा, मैंने लेके लगा, नहीं तो भाई मेरा स्नोलेस गया था। अब भाई ये तब से मेरा स्नोलेस जो है खड़ा है, उसके ओपोनेंट के सारे पोकीमोन्स को मारे जा रहा है, मारे जा रहे हैं। वो बंदा भी मतलब हैरानी हो गया कि भाई क्या ही पोकीमोन लेके आया हूँ मैं आज। तो ये हमने एक और बार रेस्ट, ये मतलब रेस्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, पर बनता है ऑब्वियसली आपके पास अगर ऐसा पोकीमोन है जो इतना खतरनाक हो तो रेस्ट बनता है। काहे को इसको मरने देना, इसको खड़ा रखो, ओपोनेंट के ले लो पूरी तरीके से। उसका स्नोरलैक्स गया, उस पर काउंटर होता तो शायद मेरा खेल ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उसको मारने का। एक ऑटो मूव और इस सुकून का भी खेल ख़त्म। सामने आर्केस तो इस पर भी एक ऑटो मूव और इसका भी खेल ख़त्म। देख रहे हो ना, वन हिट केओ पोकीमोन है ये स्नोरलैक्स एक्स। सामने हमारे दुबई का शेख और हमारे पास है स्नोरलैक्स। अब मैं यहाँ पर फिशर लगाता हूँ पर मिस हो जाता है। फिशर इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि इसे जल्दी ख़त्म हो जाए, तो खतरनाक हो सकता है। और हम जा चुके हैं स्लीप पे। अब स्लीप टॉक लगाएं, यही लौता ऑप्शन बचा है, तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि देखो स्टिकी हुए अभी बिक चुका है और हमारा खेल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हमारा जो नेट है या फिर क्या है पता नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो मूव्स थोड़े स्लो हमें दिए जा रहे हैं और ओपोनेंट भी इस बात से थोड़ा हैरान हो चुका है। और हम टॉन्ट भी हो चुके हैं, स्लिप में भी हो चुके हैं, इंफास्टेशन भी डैमेज दे रहा है। अब स्नोरलैक्स कुछ काम करनी है, बस उठ जाए। ठीक है उठ चुका है, एक मैं फिशर ही लगा देता हूँ क्योंकि यही अच्छा रहेगा। ठीक है यार, मैं टॉक्सिक लगाने वाला था पर काम नहीं हुआ, मेरे को लगा ये मेरे को मतलब इंफास्टेशन पर ट्रैप में है तो शायद डार्क वर्ड मारे और मिस हो जाएगा तो टॉक्सिक काम कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब यही हमारा करता धरता है और मैंने स्लिप टॉक लगाया था। अब बंदे ने पहले टॉन्ट लगा दिया, कहता है ज़्यादा डाकरा यूज़र, इसको सही से पता है डाकरा कैसे यूज़ करते हैं। और ये हैरान हो गया हमारे पास दो दो स्नोरलैक्स देख के। भाई ये हमारा प्लान है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्नोरलैक्स को पसंद करता हूँ और स्ट्रगल से ही मैंने अधमरा कर दिया है भाई। मतलब 1/4 मतलब HP तो चली गई, 1/3 HP चली गई है और जितना बचा उसको एक क्लोज कॉम्बैट तो ख़त्म कर ही देगा। और ये भी स्लीप में डाकरा है, बहुत ही गंदा काट रहा है मेरा अभी फिर से, इसीलिए मैं डाकरा मास्टर लीग में रखता हूँ, क्योंकि स्टिकी वेव ज़रूरत पड़ती है गाइस। मास्टर लीग बहुत छोटा मतलब बहुत पोकेमोन से कम HP होती है, तो जल्दी जल्दी एक एक हिट में गेम ख़त्म होता है और उसमें आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर HP रहना कुछ खास हेल्पफुल होता नहीं, यहाँ पर HP इतना बहुत गंदा होता है एक्चुअली, यहाँ पर स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, हमने अपने स्नोरलैक्स को भेजा है, हमारी टोटल टीम में कोई ज़्यादा तेज़ पोकेमोन नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे स्लो ही हैं, पर स्लो होने के बावजूद HP यूज़र होने के बावजूद ये ख़तरनाक है। अपने अपने दूसरे स्नोलेक्स को भेजा ताकि टॉन्ट वेस्ट किया जा सके। अब मैं स्लैकिंग को भेजता हूँ, एक बार अगर इंफास्टेशन ठिकाने पर लग गया ना भाई तो डाक रहा है तो ख़त्म है, इसलिए मैं इंफास्टेशन लगाता हूँ और ये मिस और ये पकड़ में आ गया भाई, इधर ही खेल ख़त्म डाक रहा का। जहर है बिल्कुल ही कत्ते ही भाई, इतना अच्छा काम किया ना भाई स्लैकिंग ने, मान गया भाई स्लैकिंग को आज, बहुत ही बेहतरीन काम किया और डाक रहा का खेल ख़त्म। अब मैं अपने स्नोलेक्स को सोच रही सलगैलियो को लेके आता हूँ। अब ये अच्छा चुनाव था क्योंकि सामने जो है म्यूटू वाई है। ठीक है, अब साइकिल टाइम मूव घंटा असर करेंगे नहीं सलगैलियो पे, ज़्यादा असर नहीं करेंगे, हालांकि थोड़ा करेगा बिल भी। एक आर टू मूव और मैंने सोचा भाई म्यूटू कहीं मेरे को ज़्यादा डैमेज ना दे दे, इसलिए मैंने आर टू मूव इस्तेमाल किया, पर सामने दूसरा एल्केजाम आया और वो गया। यहाँ पर एक आर टू मूव और ये पोकेमॉन स्लीप पाउडर इस्तेमाल करा, इसलिए मैं अपना स्नोरलैक्स लेके आता हूँ। अब मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ, होपफुली आर टू मूव हिट हो जाए, और हिट हो भी गया। लीड सीट पड़ा है इसलिए मैं पोकेमोन बदल के जल्दी से सलगैलियो लेके आता हूँ ताकि अगर म्यूटो आता है तो हम लोग उसे रोक लें। पर सामने है बीट्रिल, अब यहाँ पर भी सही रहेगा, मैं बल्कअप कर लेता हूँ और एक लगाते हैं आर टू मूव, काफ़ी रहेगा मारने के लिए। और ये गया, अब सिर्फ दो पोकेमोन। दुबई का से कहाँ जीत रहा था कहाँ हारते गए, सिर्फ एक दो पोकेमोन ऐसे थे जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया। स्लैकिंग ने कतई जहर परफॉर्म किया और भाई स्नोरलैक्स और सलगैलियो, अब एक ही डिओक्सिस बचा उसके पास। ये अर्थ को एक लगाया, घंटा कोई डैमेज पड़ा नहीं, इसका डिफेंस बहुत ही अच्छा होता है, ऊपर से ये अपना स्लीप स्टेटस भी मेरे पर ट्रांसफ़र कर सकता है, इसीलिए मैं स्लैकिंग को भेजता हूँ ताकि ये मर जाए और ये जी मूव हो गया वेस्ट। ठीक है, स्लैकिंग को एक्चुअली मैं लेके आना चाहता था ताकि मैं उसको उठा पाऊँ, उसका रेस्ट मार कर इंफास्टेशन लगा के प्लेयर बल्कअप से मार के ख़त्म कर पाऊँ, पर जैसा सोचा वैसे हुआ नहीं। कोई नहीं, हमारे पास फिशर है, अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगा बहुत। अब मैं स्लीप टॉक लगा रहा था, अब फिशर पर फिशर मिस होते जा रहे हैं, एक फिशर मिस हो गया हमारा और दूसरा भी मिस हो गया। रेस्ट लगा लेता हूँ नहीं तो मर जाऊँगा, फिर भी कोई ना, अब मैं रेस्ट लगाता हूँ नहीं तो भाई शायद वो अपना स्टेटस मेरे को ट्रांसफ़र कर दे, पर लाइट स्क्रीन यूज़ कर रहा है, शायद इसके पास नहीं है वो मूव, तो कोई ना हम लोग
यार मेरे एक भी फिशर निशाने पर लग ही नहीं रहे। कोई नहीं, मैं दूसरा स्नोरेस लेके आता हूँ। फिशर नहीं बचाएगा तो अटैक ज़रूर बचाएगा। अब मैं यहाँ पर मतलब पावर पंच इस्तेमाल करूँगा और दो आर्ट हूँ मैं, ख़त्म हो जाएगा डिओक्सिस का खेल। मतलब कितना, इतना भी अच्छा डिफेंस नहीं है कि अटैक प्लस सिक्स को रोक ले, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा डिफेंस होता है, पर फिर भी कोई भी पोकीमोन कितना भी अच्छा डिफेंस हो, अटैक प्लस सिक्स को तो नहीं रोक पाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए, अनलेस एंड अंटिल वो स्टीलिंग्स हो, उसके बाद तगड़ा डिफेंस होता है भाई सच में। अब डिओक्सिस का खेल ख़त्म है, ठीक है, अब ख़त्म है, मैं जीत गया। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।